अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है, हम क्लास थर्ड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो फिर चैप्टर नंबर 9 के पीछे जो ग्रामर वाले का पोर्शन है, हम वो कर रहे थे। तो फिर कल हमने पढ़ा था कंजंक्शन के बारे में और स्टेटमेंट किसे कहते हैं और इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिर आज हम फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 104 पे। तो फिर कल मैंने आप लोगों को बोला था, ये आप लोग एक बार अपने तरफ से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो फिर जिन्होंने किया उनके लिए वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया हम उनके लिए आज फिर से समझा देते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे था रीड दिस सेंटेंस एंड से इफ दे आर स्टेटमेंट ओवर इंस्ट्रक्शन। तो फिर हमें इन सेंटेंस को पढ़ना था और हमें ये पता करना था कि ये स्टेटमेंट है या इंस्ट्रक्शन है, और हमें उनकी एक एक एग्जाम्पल्स अपने तरफ से भी बनाना था, ठीक है। तो फिर पहला हमें दिया हुआ था बॉयल एंड पील द पोटैटोस, ठीक है। यानी कि आप क्या करो, पहले पोटैटोस को यानी कि आलू को उबाल लो और फिर छील लो, ठीक है। ये हमारे लिए क्या बनता है, एक इंस्ट्रक्शन बनता है, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो फिर हमारे मम्मी लोग हमें बोलते हैं कि पहले पोटैटोस को बॉईल करो फिर पील करो, ठीक है। तो फिर ये हमारे लिए स्टेटमेंट नहीं होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, यानी कि एक नसीहत होता है। अब उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है टर्न द लाइट ऑफ, आप क्या करो इस लाइट को ऑफ करो, ठीक है। तो फिर ये भी हमारे लिए क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले अक्सर कहते हैं कि लाइट्स को ऑफ रखा करो, ठीक है, जब वो यूज में ना हो। उसी तरह अब हमें सेकंड एग्जाम सेंटेंस आता है द रोज इज रेड एंड द ग्रास इज ग्रीन। ये जो रोज है वो रेड कलर की है और जो ये ग्रास है वो ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो फिर ये हमारे लिए क्या बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ पता चलता है, जैसे कि रोज रेड कलर का होता होगा और ग्रीन जो ग्रास होता है वो ग्रीन कलर का होता होगा, ठीक है। अब उसी तरह आता है रोज इज़ अ सिंबल ऑफ लव। हम ये भी कह सकते हैं जब हमें क्या किसी से अपने प्यार का हिस्सा, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, किसी के लिए भी हो, तब हम उसे कैसे इजहार करते हैं, रोज के जरिए भी इजहार करते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे लिए क्या बनता है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट बनता है। तो फिर अब हमारा आता है थर्ड वाला यू मस्ट बी मोर केयरफुल। आपको क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, यानी कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो फिर ये हमारे लिए क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन बनता है, यानी कि कोई हमें नसीहत दे रहा है। जैसे हम पिकनिक पे जा रहे होते हैं तो फिर जो हमारे टीचर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा दूर मत जाना, ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो, केयरफुल, सावधान रहा करो, ठीक है। तो फिर ये उसी का है, तो फिर ये हमारा क्या बनता है, इंस्ट्रक्शन बनता है। तो फिर इसका हमने एग्जाम्पल्स दिया हुआ है वी शुड नीड टू ओबे आवर पेरेंट्स, या फिर टीचर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स के क्या करना चाहिए, बातों को मानना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये हमारे लिए क्या बनता है, एक इंस्ट्रक्शन, नसीहत बनता है। अब फोर्थ वाला आता है राइट योर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप क्या करो, अपना नाम इस ब्लैक बोर्ड पे लिखो। तो फिर ये जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं कि आप खड़े हो जाओ और अपने नाम इस ब्लैक बोर्ड पे लिखो, तो फिर ये क्या बनता है, एक इंस्ट्रक्शन बनता है। अब उसी को लेकर हम लिखते हैं वी मस्ट रीच ऑन टाइम टू स्कूल, यानी कि क्या हमें स्कूल पे वक्त से पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये भी हमारे लिए क्या बनता है, एक इंस्ट्रक्शन बनता है। आई कैन प्ले द फ्लूट, में बांसुरी बजा सकती हूँ, ठीक है। तो फिर इस पे हम ये क्या बनता है, हमारा एक स्टेटमेंट बनता है कि जैसे मैं फ्लूट बजा सकती हूँ, मैं गिटार बजा सकती हूँ, ठीक है, मैं बैट खेल सकती हूँ, ऐसा कुछ भी। तो फिर इसका हमें एग्जाम्पल्स हमने दिया है माई ब्रदर लव्स टू प्ले गिटार, जो मेरा भाई है उसे गिटार बजाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो फिर ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि जैसे कि मैंने किसी को कुछ बोला, मेरे भाई को ये चीज़ करना पसंद है, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या बनता है, एक स्टेटमेंट बनता है। अब उसी तरह हमें देखना है कि वोकेबुलरी किसे कहते हैं। रीड दिस सेंटेंस, इट वॉज अ हॉट डे, ठीक है, क्या है, आज बहुत गर्म था। इट वॉज अ कोल्ड डे, आज बहुत ठंडा था, ठीक है। द वर्ड हॉट एंड कोल्ड आर अपोजिट इन मीनिंग, दे आर कॉल अपोजिट, ठीक है। ये जो हॉट और कोल्ड है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट में होते हैं। जैसे आप हॉट गर्मी के मतलब सेम मीनिंग अब कोल्ड नहीं हो सकता, जैसे गर्म होगा तो फिर उसके अपोजिट क्या बनता है, हमारा ठंडा बनता है, ठीक है। उसी तरह अब हमें लिखना है इनको, कलर द अपोजिट्स इन ईच सेट्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे
जो ये 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ है और ये ए बी सी करके दिया हुआ है। हमें इस 1 2 3 4 5 में से जो ये इनके सामने वर्ड्स दिए हुए इनके अपोजिट्स मीनिंग को क्या करना है, इसे हाईलाइट करना है, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे काइंड दिया हुआ है और यहाँ पे मीन और क्रूअल को क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। जैसे काइंड, काइंड हम किसे कहते हैं, काइंड हम कहते हैं जब कोई हमदर्दी, यानी कि जैसे हमसे कोई हमदर्दी जताता है तब हम उसे क्या कहते हैं, काइंड। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में द पैरट हु वुड नॉट टॉक वाले में भी पढ़ा था, ये काइंड और मीन के बारे में हमने बहुत बार जिक्र किया था। जैसे आंट रूबी, एक क्वेश्चन हमारे ये भी था कि आंट रूबी उस पैरट की तरफ काइंड था या मीन था, ठीक है। तो फिर इससे क्या मतलब हमारा बनता है, जो वो आंट रूबी थी वो उस पैरट को लेकर हमदर्दी रखती थी कि वो उसकी तरफ रूड वाले बिहेवियर रखती थी, ठीक है। तो फिर उसी तरह काइंड हमने किसे बोला, जब हमदर्दी, जब कोई हमसे हमदर्दी चाहता था, ठीक है। तो फिर उसका ये मीनिंग इसने उन्होंने हमें मीन को हाईलाइट किया हुआ। तो फिर मीन हम किसे बोलते हैं, जैसे रूड बिहेवियर, यानी कि कोई हमसे अजीब से ट्रीट करना, ठीक है। और जेंटल, जेंटल काइंड का ही सेम होता है, ठीक है, यानी कि ये काइंड से ही बिलोंग करता है। तो फिर काइंड नहीं होते, और क्रूअल, क्रूअल किसे कहते हैं, हम जालिम को, ठीक है। तो फिर इसका अपोजिट मीनिंग काइंड का क्या बनता है, मीन और क्रूअल। अब उसी तरह हमें दिया हुआ है लाउड, लाउड हम किसे कहते हैं, जैसे कोई जोर जोर से बात करता है, ठीक है, जब कोई चिल्लाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, लॉयड। अब इस लॉयड का नॉइजी, नॉइजी हम किसे कहते हैं, जब कोई जोर से फिर से बात करते हैं हम उसे क्या कहते हैं, नॉइजी। जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि यू आर अ नॉइजी बॉय, ठीक है, यानी कि तुम क्या हो, एक शोर मचाने वाले एक लड़की हो, ठीक है। तो फिर ये नॉइजी और लाउड तो एक ही वर्ड होता है, ठीक है। तो फिर ये इसका अपोजिट मीनिंग नहीं बनता है। तो फिर क्वाइट, क्वाइट किसे बोलते हैं, जैसे शांत चुप बैठना, ठीक है, और सॉफ्ट धीरे से बात करना। तो फिर इसका अपोजिट मीनिंग क्या बनता है हमारा, क्वाइट और सॉफ्ट, ठीक है। तो फिर हमें इन दोनों को क्या करना है, हाईलाइट करना है। अब हमारा है क्लीन, क्लीन हम किसे कहते हैं, साफ सुथरे को, ठीक है। डट्टी, डट्टी तो आप सभी को पता है, जैसे कोई साफ सुथरा ना हो, गंदा हो, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, डट्टी। टिड्डी किसे कहते हैं, टिड्डी भी एक एक क्लीन का ही टाइप होता है, ठीक है, यानी कि जब कोई साफ हो हम उसे टिड्डी कहते हैं। मड्डी फिर से वही कीचड़ से लथपथ, तो फिर इसका क्लीन साफ का, अब साफ तो नहीं हो सकता, साफ का क्या होता है, गंदा होता है। तो फिर हम यहाँ पे डट्टी और मड्डी को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब ब्रेव, ब्रेव हम किसे कहते हैं, जो बहादुर हो, जो हिम्मत वाला हो, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेव कहेंगे। अब स्कैर, स्कैर हम किसे कहेंगे, डरपोक को, ठीक है, यानी कि जो बहुत डरता हो। और कवर्ली, ये भी बुजदिल होता है, कवरेज किसे कहते हैं, हिम्मत वाले को। अब ब्रेव और कवरेज एक साथ, यानी कि ये दोनों अपोजिट मीनिंग नहीं हो सकता, ये दोनों क्या है, सेम सेम मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि ब्रेव हिम्मत वाले को, और कॉरेज भी हम किसे कहते हैं, जो जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। तो फिर इस ब्रेव का क्या बनता है, स्कैर्ड और कवर्डली, ठीक है, इनका अपोजिट मीनिंग। जैसे तुम बहुत हिम्मत वाले हो, और हम किसे कहते हैं, तुम बहुत डरपोक हो, ठीक है, तुम बहुत बुजदिल हो, ये दोनों इनका मीनिंग बनता है। तो फिर इजी, इजी हम किसे कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आज का पेपर बहुत इजी था, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं आज का पेपर बहुत सिंपल था। तो फिर ये दोनों फिर से एक ही वर्ड बनता है, ठीक है। तो फिर इजी का अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, डिफिकल्ट और हार्ड, ठीक है। हम ये भी बोलते हैं कि आज का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, या फिर आज का पेपर बहुत हार्ड था, ठीक है। तो फिर इसी तरह इजी का अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, डिफिकल्ट और हार्ड, ठीक है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो 104 पे ग्रामर का पोर्शन है वो समझ लिया होगा। अगर जिनको समझ ना आए वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे टू यू।